नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि महंगी घड़ी पहनने से आपका वक्त नहीं बदलेगा, लेकिन वास्तु शास्त्र में इस बात का जिक्र जरूर है कि घड़ी आपका समय जरूर बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, घड़ी आपके दिन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आइए जानते हैं घड़ी से जुड़े वास्तु उपाय जिनको आपको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इनका पालन करने से खुद ब खुद आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होती है। अगर आप उस सामान को उसके स्थान पर नहीं रखेंगे तो घर में अशांति होती है। दोस्तों, वास्तु की माने तो घर में दीवार पर लगी घड़ी अगर गलत जगह या गलत दिशा में लगी है तो ये आपका बुरा वक्त भी ला सकती है। वास्तु विज्ञान में उत्तर और पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा माना गया है। अपने घर में अगर आप दीवार पर घड़ी लगाते हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। वास्तु के अनुसार घर में मधुर संगीत वाली घड़ी को दीवार पर लगाना अच्छा होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर के लोगों की तरक्की होती है। घर में कभी भी घड़ी को दक्षिणी दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण यम की दिशा कही जाती है। इसके लिए पूर्व दिशा शुभ बताई गई है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घड़ी का बंद हो जाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, व्यक्ति की प्रगति ठहर जाती है। घर में किसी दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से उसके नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। घर में खुशियों के लिए इन बातों का भी ध्यान रखें। छत कितनी ऊंचाई पर हो इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। घर के छत की ऊंचाई हमेशा अधिक होनी चाहिए। अमूमन 10 से 12 फीट तक की ऊंचाई होना सही माना गया है। इससे जितनी कम हो उतनी ही परेशानियां बढ़ती है। दोस्तों, घर की छत को हमेशा साफ रखें। ध्यान रखें कोई आपकी छत पर कूड़ा ना डाले, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है। घर की छत के बाद घर के दरवाजे के बारे में वास्तु संबंधी कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वैसे घर का दरवाजा पूर्व, ईशान, उत्तर या पश्चिम दिशा में हो तो उत्तम है। घर का दरवाजा दो पल्ले वाला होना चाहिए और दरवाजे भी सम संख्या में होने चाहिए। घर के दरवाजे बनाते समय ध्यान रखें कि ये दरवाजे एक ही लाइन में ना हो। दरवाजे के बाद खिड़कियां बनाते समय भी इस बात का ख्याल रखें, खिड़कियां एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। गलती से भी घर के मुख्य दरवाजे के अगल बगल खिड़कियां ना बनाएं, ये अशुभ माना जाता है। सुंदर व अच्छा घर बनाना या उसमें रहना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा सा वास्तु दोष आपको काफी कष्ट दे सकता है। लेकिन वास्तु दोष निवारण के महंगे उपायों को अपनाने से पहले विघ्नहर्ता गजानन के आगे मस्तक जरूर टेक लें, क्योंकि आपके कई वास्तु दोषों का इलाज गणपति पूजा से ही हो जाता है। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की थी। ये मानव कल्याण के लिए बनाया गया था, इसलिए इनकी अनदेखी करने पर घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। वास्तु देवता की संतुष्टि के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना बेहतर लाभ देगा। इनकी आराधना के बिना वास्तु देवता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बिना तोड़फोड़ अगर वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश की पूजा करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।